अदालत व उच्च न्यायालय में लगने वाले मामलों में पुलिस विभाग द्वारा रह जाने वाली कमियों को दूर करने के लिए सोमवार को गुरुकुल ग्लोबल स्कूल में पुलिस कर्मियों के लिए एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इस वर्कशॉप में मनीमाजरा थाना के सभी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने भाग लिया। इस दौरान न्याय प्रक्रिया और सरल और सक्षम बनाने के लिए चंडीगढ़ पुलिस के पब्लिक प्रोसिक्यूटर मनीष बंसल व डीडीए अशोक रोहिला ने सभी आईओ को केस के पहलू को लेकर ध्यान में रखते हुए दस्तावेज व सबूतों की अहमियत बताई और केस में रहने वाली कमियों को दूर करने के लिए भी जागरूक किया। इस मौके पर उनके साथ डीएसपी नॉर्थ ईस्ट पी अभिनंदन व थाना प्रभारी इंस्पेक्टर राम दयाल भी मौजूद रहे। उल्लेखनीय है कि चंडीगढ़ पुलिस विभाग द्वारा पहली ऐसी वर्कशॉप का आयोजन किया गया जिसमें पुलिस विभाग को उनके कागजों में रहने वाली कमियों के बारे में बताया गया और उन कमियों को दूर करने के गुर भी दिए गए। हर केस की फाइल की कॉपी होनी चाहिए थाने में। इस बारे में पब्लिक प्रोसिक्यूटर मनीष बंसल ने पुलिस ऑफिसर को बताया कि अक्सर जब भी पीपी पुलिस से केस के डिटेल जानना चाहते हैं, तो पुलिस उन्हें जवाब में ये बताती है कि वो अभी फाइल को नायब कोर्ट से लेकर आए हैं, अभी केस में क्या अपडेट है उन्होंने फाइल में नहीं पढ़ा। ऐसे में न्याय की प्रक्रिया में देरी हो जाती है। उन्होंने बताया कि ये सही है कि कानूनी केस की फाइल नायब कोर्ट के पास होनी चाहिए, परंतु पंजाब और हरियाणा पुलिस की तरह चंडीगढ़ पुलिस को भी हर फाइल की कॉपी थाने में रखनी चाहिए ताकि कोर्ट में तारीख से पहले आईओ को केस के बारे में सारी जानकारी हो। इससे पब्लिक प्रोसिक्यूटर को केस लड़ने में भी आसानी होगी। जैसे आपने हरियाणा में भी अच्छा काम किया है, तो आपको लगा कि यहाँ पर कुछ कमियां हैं जो जिसकी ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी है? नहीं, देखो किसी भी डिपार्टमेंट में जाते हैं हम तो कमियां ना कमियां किसी में ज़्यादा बेटर होता है, किसी में थोड़ी कमी होती है, डेफिशिएंसी होती हैं, कोई लैक ऑफ नॉलेज होती है, सब नहीं होती है वो डिपार्टमेंट में। और ये ऐसी कमियाँ नहीं है जिसको हम दूर नहीं कर सकते। थोड़ी कमियाँ इनकी लैक ऑफ नॉलेज करके हैं, वो हमने अब ये परफॉर्मा इसी चक्कर तैयार किया है। ये परफॉर्मा में जो भी कमियाँ इससे दूर हो जाएंगी। सबसे बड़ा देखो, आईओएस के ऊपर भी बहुत बर्डन है, बहुत ज़्यादा वर्किंग का बर्डन है। ये तो है नहीं भी आईओएस की ड्यूटी भी है, रात को भी ड्यूटी है, सुबह भी उठते हैं। और सबसे बड़ी क्या दिक्कत भी, आईओएस चेंज भी होते हैं, जब चालान पेश हो गया अब नए जो नई नया आईओ इन्वेस्टिगेशन करके चला गया, नए को कुछ नहीं पता होता। तो ये परफॉर्मा एक उसी कमियों को दूर करने के लिए है। जो भी आईओ नया भी आएगा वो फाइल पढ़ के इसको भर के लाएगा, उसको सारी नॉलेज हो जाएगी। तो ऐसे सेशन और भी होने चाहिए हर स्टेशन में? हाँ बिल्कुल होने चाहिए। मैं तो सर को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक डिवीज़न का करवाएं, इन्होंने अपने थाने का अपनी डिवीज़न कराया, दो तीन डिवीज़न्स का इकट्ठा होना चाहिए, सो दैट वी सारी जो हमारी हम उनसे फ़ायदा ले सकें वो हमसे ले सकें। एक एक आपने सजेशन और रखा है कि जो फाइल है वो नैब कोड की बजाय एक कॉपी थाने में भी होनी। नैब कोड के पास तो मैंडेटरी है कॉपी, वो एज पर सीआरपी मैंडेट, उसके पास तो कॉपी रहेगी रहेगी। हाँ, मेरी ये सजेशन है या इनके से रिक्वेस्ट है, कॉपी जब भी आईओ इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करता है, चालान की कॉपी अलॉन्ग विद ऑल दी डॉक्यूमेंट्स, 161 की स्टेटमेंट्स हैं, डिस्क्लोजर्स हैं, उसमें एमएलआर भी है, 302 में पीएमआर भी है, सारे डॉक्यूमेंट एक थाने में एक फाइल बंद के फोटो स्टेट होते हैं, उनके पास रहनी चाहिए। सो दैट भी रात को किसी अफसर ने बुला लिया, चलो कोर्ट में नहीं जाना, किसी एसओएसपी फ़ोन आ गया जी मेरे को ये फाइल लेके आओ, तो कहाँ से लेके आएंगे, इसमें क्या हुआ? क्योंकि ये कई केस ऐसे होते हैं फर्दर इन्वेस्टिगेशन चलती रहती है, एसआईटी बन गई, वो नायब कोर्ट से थोड़ा लेके आएंगे। जी एक फाइल फर्दर देखो, नायब कोर्ट चलान के बाद इनका पुलिस का काम है सिर्फ चलान तक का, उसके बाद तो कोर्ट का है, ना किसी अफसर ने उनसे पूछना भी फाइल में आगे क्या चल रहा है। उन्होंने कहा मेरे को तो इन्वेस्टिगेशन पार्ट देखना है, अभी आपने क्या किया क्या नहीं किया, उसके लिए भी ये नायब कोर्ट से फाइल लेके आएंगे, वो गलत सिस्टम नहीं जमता, पहले लेके आएंगे फिर पढ़ाएंगे फिर जमा करा के आ जाएंगे, उसी में रह जाएंगे। उसमें एक और है, उसमें फाइल नायब कोर्ट की फाइल से कोई डॉक्यूमेंट मिसप्लेस हो जाए, हु इज़ द रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। बिल्कुल सही बात है। किस किस केस में आपको लगता है कि आईओ की कमी रह जाती है और उसमें ये जरूरी नहीं? आईओ की कमी मैं नहीं कहूँगा, उनके पास यही रीज़न है, अभी उनके पास फाइल नहीं होती, शाम फाइल नहीं होती, दैट्स द रीज़न। वो कहते हैं सुबह लेके आएंगे नायब कोर्ट। आप ये मैं वही एग्जाम्पल दिए, सैटरडे को मंडे को सुबह 10 बजे केस लगा मेरा हाई कोर्ट में, इनके पास रात को सैटरडे को इन्फॉर्मेशन जाती है, तो भैया पहले तो फाइल के बिना तो हमें भी असिस्ट कर पाएंगे, पहले 9:30-10 बजे वहाँ जाते हैं, हमें फाइल दो, फिर आते हैं हाई कोर्ट में, 3 देर में नंबर हो जाता है। अगर इनके पास रात को फाइल हो जाए, प्रोसीजर लंबा हो जाता है, हमें डेट लेनी पड़ती है। उसमें अगर फाइल होगी रात को, ये परफॉर्मा भर के हमें सुबह मंडे 9:30-10 o'clock सुबह आ जाएगी हमारे पास। इस परफॉर्मे में इतने कॉलम है, ये अगर एक कॉलम सही तरीके से भर दें ये परफॉर्मा, इनको किसी फाइल को दोबारा से हाल लगाने की जरूरत नहीं। बिल्कुल सही, बहुत सही। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ये इनिशिएटिव लिया गया है
किसकी ओर से लिया गया है और ये ऐसे भी आगे भी होने चाहिए? नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। मैं आज बड़ा आभारी हूँ, रामदयाल जी का इंस्पेक्टर है हमारे, तो इन्होंने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया ये। और मैं इनसे कई कल से अपने स्टाफ को भी कह रहा था मेरा एक सेशन कराओ, मेरे को कहीं जाने आने में कोई दिक्कत नहीं है, अभी मैं भाग दौड़ सकता हूँ, इतनी एज में तो सारा कुछ है। तो जहाँ जो मेरा एक्सपीरियंस है इनको फ़ायदा लेना चाहिए, मेरे को इन्वेस्टिगेशन से मेरे को कोई एक्सपीरियंस मिलता लेना चाहिए। तो मैं अपने रामदयाल जी से और गुजारिश करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा भी ऐसे सेशन करवाते रहा करें, महीने में 15 दिन में, जब भी इनको इनके समय, मेरे को समय की कोई दिक्कत नहीं है, शाम के बाद 5 बजे के बाद मैं फ्री हूँ, इनके लिए टाइम भी निकालूंगा, इन्होंने अरेंज करना है मेरे को, जब जहाँ भी कहेंगे आई विल बी देयर। और अगर ये 15-15 महीने में एक बार भी करा दें सभी चंडीगढ़ में सारे हो जाए, तो जो भी हमें मुश्किलें आती हैं सारी दूर हो जाएंगी। बिल्कुल सर, आप करवाओ, हम साथ साथ आपके चल रहे हैं जी। ठीक है सर, थैंक यू। बड़ी अच्छी चीज़ें कोरिलेट की हैं, लोगों को बताया है, आईओ को बताया है। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि लैक ऑफ पेपर्स की वजह से जो केस होते हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं? देखो, ये इनिशिएटिव इसी पर्पज़ के लिए था कि जो शॉर्ट कमिंग्स हम अभी तक करते आ रहे हैं, गलतियां बार बार करते आ रहे हैं, हम उसको रिमूव कर सकें, सो डैट चंडीगढ़ पुलिस और ज़्यादा अपने कमीशन रेट को इम्प्रूव कर सकें। तो जैसे सर ने बताया कि एक सीट चार्ट तैयार करनी चाहिए, उससे हेल्प होगी कुछ? हाँ, सर्टनली। जो चीज़ चार्ट में जाए वो बड़े डिटेल्स हैं, रोल ऑफ अक्यूज पर्सन, किससे क्या वेपन रिकवर्ड है, क्या नर्कोटिक रिकवर्ड है, सारा कुछ है। वो आपके 2 पेज की शीट में सब कुछ आ जाएगा। तो जब भी कभी कोई केस लगेगा कहीं पर भी, कोर्ट में, हाई कोर्ट हो, सेशन कोर्ट हो, इमीडिएटली आपको विदिन 5 मिनट्स आके मेमरी सारी रिफ्रेश हो जाएगी। तो सर्टनली बहुत लॉन्ग वे में जाएगा। एक आपकी 379 वाला एक केस का चर्चा की थी, तो ऐसे और भी ऐसे कई इंसिडेंट होते हैं? तो इंसिडेंट रूटीन में आते थे, कोर्ट्स अपनी फाइंडिंग में देते रहते हैं। तो हमारी कोशिश ये रहती है वहाँ पर विद द गाइडेंस ऑफ सीनियर ऑफिसर्स कि हम उसको रिमूव किया जाए, साथ के साथ उस डिफिकल्टी को रिमूव किया जाए, सो डैट फ्यूचर किसी केसेस में उसका इम्पैक्ट ना पड़े और इन्वेस्टिगेशन और बेटर फोकस कर सके। जो वर्कशॉप कंडक्ट की गई है उसका एम क्या था और कौन कौन आज चीफ गेस्ट आए? हाँ, इसमें एक्चुअली इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स को बेटर इन्वेस्टिगेशन करके बेटर प्रोसिक्यूशन और कन्वेक्शन रेट को इम्प्रूव करने के लिए ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था। इसमें हमने हमारा लीगल एडवाइजर्स जो है पब्लिक प्रोसिक्यूटर बंसल सर और डिप्टी डी आनंद वेला सर, इनको बुलाया था। और फॉरेंसिक का एक्सपर्ट्स हमने पिछले महीने चंडीगढ़ पुलिस ने हायर किया था, उनमें से ईस्ट डिवीजन का जो भी एक्सपर्ट है उनको भी हमने बुलाया, उनके साथ हमारा आईओएस का इंटरेक्शन हुआ। तो जैसे सर हमें इस सेशन में पता लगता है कि कहीं ना कहीं लैक ऑफ नॉलेज या लैक ऑफ पेपर से कई दिक्कतें आती हैं, तो आज इससे हेल्प हो पाएगी कुछ? हाँ, इससे अभी काफ़ी सारा इनपुट्स मिला है हमको, ऐसे इन्वेस्टिगेशन में जो भी कमियां हैं, जो भी लूप होल्स हैं, जिसको वो जो लूप होल्स को जो अक्यूज एडवांटेज लेके उनका बेल या अक्यूटल हो जाता है उसको कवर करने के लिए हमको अच्छा टिप्स मिला है, उसको हम जरूर इम्प्लीमेंट करेंगे हमारा आगे वाला इन्वेस्टिगेशन। जैसे सर पीपी सर ने अपना हरियाणा का एक्सपीरियंस अच्छा बताया, तो आप भी जहाँ पहले रहते हैं तो कुछ इनपुट दे रहे हैं इसमें? हाँ, जैसे दिल्ली में पहले दिल्ली में था, वहाँ पे काफ़ी फॉरेंसिक टीम का जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है, वहाँ भी फॉरेंसिक टीम है। ऐसे ही चंडीगढ़ पुलिस में भी अभी इम्प्लीमेंट किया मोबाइल फॉरेंसिक टीम, सिमिलर पैटर्न ऑफ दिल्ली। तो फॉरेंसिक टीम पहले पहुँच जाएगी, आईओ जो आने के पहले ही हमारा फॉरेंसिक टीम वहाँ पहुँच जाएगी, और वहाँ से एविडेंस उठाने में और उसको हैंडल करने में और उसको CFSL भेजने में फॉरेंसिक टीम का मदद आएगी हमारा। जैसे पीपी सर ने बताया था कि एक जो फाइल होती है वो सिर्फ कोर्ट नायब के पास ही रह जाती है, चंडीगढ़ पुलिस अपने पास उसकी कॉपी नहीं रखती, तो क्या हम उम्मीद कर रहे हैं कि टाइम में ये जल्दी ही इम्प्लीमेंट होगा? ये हमारा डिवीजन में हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, दिस इज फॉर द पर्पस ऑफ हेल्पिंग द आईओएस, उनको मेमोरी को रिफ्रेश करने के लिए फाइल उनके पास एक कॉपी रहना जरूरी है, तो उसको हम जरूर हमारा नाती सबमिशन में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना ना भूलें।